हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कोई भी ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। रियासत के इदारे मुल्की मफाद में मिलकर काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ का पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कहा रिवायती खतरे से गाफिल नहीं रह सकते। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भारत को वाजे पैगाम, कहा भारतीय रवैया किसी भी वक्त जंग का बाइस बन सकता है, किसी भी किस्म का गलत अंदाजा खतरा का बाइस बन सकता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने, मसाइल की जड़। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज नाया, लाइन ऑफ कंट्रोल चिरिकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 75 साल खातून महमूदा बेगम शहीद हो गईं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय बंकर्स को निशाना बनाया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन जुनैद की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा। बर्मा टाउन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सरहद पार हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर एहतजाज। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद आज भी मफलूज। हुकूमत तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का धरना खत्म कराने में नाकाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। ये धरना जो है या जो लोग आए हुए हैं वो इस धरने को खत्म करें और मुल्क के नज्म नस्क को और मामूलात के जो रोजमर्रा के हैं उसको चलने दें। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की जुड़वा शहरों में धरना खत्म करने की अपील, कहते हैं धरने से दुनिया में गलत तशख्खुस उजागर हो रहा है। हल्फनामे में हुई गलती का फौरी नोटिस लेकर इसे दूर किया गया। कुरान और हदीस के मुतसादिम कोई कानून बनाने का सोच भी नहीं सकते। पंजाब वालों ने लिया सुख का सांस, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से फिजा निखर गई। कई दिनों से फिजा में छाई स्मॉग की शिद्दत भी कम। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा अदालत में तमाम चीजें जमा करा दी हैं, एक भी दस्तावेजात जाली हुई तो खुद चला जाऊंगा। कप्तान कहते हैं मुझे अदालत की कोई फिक्र नहीं है, जो मांगा मैंने दिया, अब कोई भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान नहरी केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसले से इमरान खान महफूज हैं या गैर महफूज, फिलहाल इंतजार करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फैसला जल्द आने की तवक्को ना रखी जाए, झूठ और सच को परखा जाएगा। असासे छुपाने और गलती में फर्क है। इमरान खान ने अपना यूरो अकाउंट जाहिर नहीं किया, जस्टिस उमर अताबंदिया के रिमांड। मरियम नवाज इमरान खान ना अहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर फट पड़ी, कहती हैं इमरान खान ना अहली केस अकामे के मजाक से ज्यादा संजीदा है, जल्दबाजियां सिर्फ नवाज शरीफ के लिए थीं,
नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के लिए अदल के नए पैमाने बनाए गए। किसी ने इश्तिहारी से यह भी नहीं पूछा कि दो साल कहां थे। मरियम नवाज की तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन नाहली केस का फैसला भी महफूज कर लिया। जहांगीर तरीन के पहले तहरीरी जवाब और ट्रस्ट डीड में तजाद है। जहांगीर तरीन ने बराए रास्त रकम ऑफशोर कंपनी को भेजी, रकम ट्रस्ट को नहीं भेजी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। पीटीवी, पार्लियामेंट और एसएसपी हमला केस समेत चारों मुकदमात में जमानत मंजूर। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए पुरम एहतजाज कर रहा था। पुरम एहतजाज करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिम अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहा, जज का इस्तफसार। सेहतियाबी में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जामीन का जवाब समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की तामीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। दोनों की एलडीए और डीएचए में कोई प्रॉपर्टी नहीं। हुसैन नवाज के 4 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें यूरो और डॉलर्स भी मौजूद हैं। समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने 3 रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला जल्दबाजी में दिया गया, दरख्वास्त में मौखर। हुक्मरानी आईन के मुताबिक होती है और हमेशा कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत चल रही है और इंशाल्लाह जून में टर्म पूरी करेगी और उसके 2 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे और डेमोक्रेसी आगे चलती है। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत जून में अपनी मुद्दत पूरी करेगी जिसके 2 माह बाद इंतखाबात होंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान के लिए 10 साल पैकेज बनाया जाएगा। आधे फंड सूबाई हुकूमत और आधे विफाकी हुकूमत देगी। जम्हूरियत पटरी से न उतरे, इसका तसलसल बरकरार रहे, लेकिन अगर कोई हादसे हो जाते हैं तो भी हमने इस मुल्क में बेहतरी के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना होगा। जम्हूरी अमल रुकना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान के आइन, पार्लियामेंट और जम्हूरियत के साथ हैं। मुल्क में कौमी यकजहती की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात आइंदा बरस अगस्त में मुनक्किद होंगे। वजीर आला सिंध का दावा। कहा विफाकी हुकूमत ने मर्दम शुमारी के नताइज सिंध की 3 शराइत कबूल कर ली हैं। अगर तहरीक इंसाफ कबल वक्त इंतखाबात में संजीदा है तो परवेज हटक ने मुश्तरका मफदात काउंसिल में आईनी तरमीम की हिमायत क्यों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाहत तक इंतखाबी इस्लाहात बिल मुअत्तल कर दिया। अदालत में बिल में खत्म नबूवत से मुतालिक शिकों में तरमीम का मामला जेर गौर है। नौशहरा में गुर्दों की बेवंदकारी की तहकीकाती रिपोर्ट आज न्यूज को मौसूल हो गई। दुआ मेडिकल सेंटर को पंजाब से आने वाला गिरोह इस्तेमाल करता था। डोनर्स ननकाना साहब, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और हसन अब्दाल से लाए जाते थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। अफगानिस्तान के इलाके में ड्रोन हमला। लश्कर इस्लाम का हम कमांडर फजल हक आफरीदी समेत 5 शिद्दत पसंद हलाक। फजल हक ऑपरेशन खैबर वन के बाद अफगानिस्तान चला गया था। कल की गर्मा गर्मी के बाद सिंध असेंबली में आज सीज फायर। डिप्टी स्पीकर शैला रजा के दोस्ताना रवैये पर ओपोजिशन अराकीन भी हैरान रह गए। खुशगवार हैरत का लफ्जों में इजहार किया। कंदील बलोच कत्ल केस में मुलजिम अब्दुल कवी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जितने दिन हवालात में रहा मेरा ब्लड प्रेशर 80 और 120 रहा। पंजाब पुलिस और जेल की बातें कल करूंगा। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात में मुश्किलात।
गैर मुल्की बैंक्स और इदारों ने मतलूबा रिकॉर्ड अब तक फराहम नहीं किया, कोई जवाब भी नहीं दिया। सिविल असेंबली के अहाते में अरकान की गाड़ियों की धुलाई के लिए सर्विस स्टेशन बन गया, कोई फिसले या संभले किसी को परवाह नहीं। फैसलाबाद में चोर दिल के हाथों हुआ मजबूर, दुकान से आइसक्रीम लूट ली, आइसक्रीम चुराने की ठंडी वारदात सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गई। मधुबनी में ख्वाजा सराओं पर नाच गाने पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नाच गाने पर पाबंदी हटाई जाए मुजाहिरीन का मुतालबा। अंडा अंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। एक दो नहीं, दस बारह नहीं, पूरे 13 रुपए। सर्दी के आते ही अंडे ने भी बरहम करा दिए, मुर्गी तो थी ही महंगी, अंडा भी फी अदद 13 रुपए का हो गया। मुल्क भर में LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा, कराची और लाहौर में कीमत 110 और गिलगित बल्तिस्तान में 160 रुपए फी किलो हो गए। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर लर्जा खेज मजालिम दुनिया ने देखे, लेकिन वहां के फौजी हुक्काम को नजर नहीं आए। म्यांमार में फौजियों को रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के इल्जामात से बरी करार दे दिया गया। ईरान इराक सरहद पर जलजले से जान बहक अफराद की तादाद 530 हो गई, जख्मियों की तादाद 7,000 से तजावज कर गई। रूसी सदर मगरबी ममालिक में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कामयाब नहीं होंगे। रूस साइबर जासूसी में भी मुलव्वस है, बरतानवी वजीर आजम ट्रीज़ा में का इल्जाम। उर्दन के सहरा में शामी पनाह गुजीनों के लिए सबसे बड़ा सोलर पार्क कायम, 24 घंटे फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं किरण किस्वी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको देंगे बड़ी खबर, पाक फौज के सिपाही सालार ने मुल्क के दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती है, रियासत के इदारे मुल्की मफाद में काम करते रहेंगे, चैलेंजेस का सामना करने के लिए बड़ा लंबा सफर तय किया। मंगलाकोर के दौरे पर पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, रियासत के इदारे मुल्की मफाद में मिलकर काम करते रहेंगे, पाक फौज के सिपाही सालार का दुश्मन को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगला कोर का दौरा किया,
पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम रिवायती खतरे से गाफिल नहीं रह सकते, ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार को बरकरार रखना जरूरी है। सालार आला ने दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, चैलेंजेस का सामना करने के लिए बड़ा लंबा सफर तय किया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। उधर भारतीय फौज की जानिब से आज कंट्रोल लाइन की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज की फायरिंग से 75 साल खातून शहीद हो गई। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फौज ने चेरी कोट सेक्टर में वाके काकोटा गांव पर सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 75 साल खातून महमूदा बेगम शहीद हो गईं। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय बंकर्स को निशाना बनाया। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुज़िश्ता रोज भी कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से 12 साल बच्चा शहीद हो गया था। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी कराने से बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने गैर रिवायती जंग जारी रखी हुई है। वो कंट्रोल लाइन पर 1000 शहरी जबकि 300 फौजी शहीद कर चुका है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मसाइल की असल जड़ है। भारत दहशतगर्दी से बाज आ जाए, याद रखें खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जनरल जुबैर महमूद ने भारत को दो टोक पैगाम दे दिया। जनरल जुबैर ने कहा कि भारत इंतहा पसंद हिंदू मुल्क बन चुका है। 94,000 कश्मीरी शहीद हजारों बीनाई से महरूम कर दिए गए। उन्होंने मसला कश्मीर को जौहरी जंग का पेश खेमा करार दिया। अनरिजॉल्व्ड कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर की 70 साल तारीख में आजादी की जंग को दुनिया के सामने मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता रहा। इसे आजादी के बजाय दहशतगर्दी की मुहिम बनाकर पेश किया जा रहा है, जो मसला कश्मीर को मजीद बिगाड़ने का सबब बन रहा है। फ्रीडम मूवमेंट एज ए टेररिस्ट मूवमेंट। जनरल जुबैर महमूद हयात ने मुतनब्बे किया कि भारत दहशतगर्दी कराने से बाज रहे। टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंदों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है। जनरल जुबैर ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों को मसले की जड़ करार दिया। अब आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले कैप्टन जुनैद को इस्लामाबाद के नवाही इलाके बर्मा टाउन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद कैप्टन जुनैद की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के बर्मा टाउन में अदा की गई। वजीर दाखला एहसन इकबाल, वजीर कैट तारिक फजल चौधरी समेत सियासी व अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के सरहदी चौकी पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगान नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया और एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। काबुल हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि वो अफगान हदूद में दहशत